स्ट्रोक आर एंड एस। लास्ट के दो क्लासेस में हम मिडियल डब्ल्यू और अपवर्ड एस एच के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक जो पेंडिंग है वो है स्ट्रोक आर एंड एस। टू कीप द आउटलाइन क्लोज टू द लाइन ऑफ राइटिंग द अपवर्ड आर इज जनरली यूज्ड वेयर आर फॉलोज टू डाउन स्ट्रोक्स। हमारी आउटलाइन को हमारी जो लाइन ऑफ राइटिंग होती है मीन्स ये जो हमारी लाइन ऑफ राइटिंग है इसके क्लोज हमारी आउटलाइन को रखने के लिए जो हमारा अपवर्ड आर है उसको हम जनरली क्या करते हैं, अगर आर के साथ दो डाउन स्ट्रोक्स एक साथ आए तो उस केस में हम अपवर्ड आर यूज़ करते हैं। For the same reason, downward R is used finally after two straight stroke. इसी तरीके से same reason की वजह से ही कि हमारी जो outline है वो line of writing के close रहे इसीलिए जो हमारा downward R है उसको भी हम final में अगर दो straight up stroke आ रहे हैं ठीक है और उसके बाद आर है तो हम डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज़ करते हैं। क्लियर। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द सेम। फर्स्ट इज प्रीपेयर। प्रीपेयर ये हो गया हमारा प्री पे दो डाउन स्ट्रोक्स एंड देन अपवर्ड आर। प्री पेयर ठीक है। अगर अपवर्ड आर के पहले दो स्ट्रोक्स हमारे क्या थे अपवर्ड थे सॉरी डाउनवर्ड थे उस केस में हमने अपवर्ड आर यूज करा ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। देन प्रोसीजर प्रो सी ज प्रो सी प्रो सीजर ठीक है। सॉरी यहाँ नहीं आएगा हमारा जो वॉवेल है वॉवेल प्रो सी जर प्रोसीजर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स अप एस देन टी एंड आर एंड एस अप स्टेयर्स। नेक्स्ट इज डाउन स्टेयर्स। डाउन डी एन डाउन एस टी आर एस डाउन स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स। नेक्स्ट इज विजिटर वी एस टी एंड आर वी जी एंड टर विजिटर। नेक्स्ट इज डिस्पेयर डी एस पी आर डिस देन पेयर डिस पेयर। नेक्स्ट इज डिस अपीयर सॉरी डिस अपीयर। नेक्स्ट क्या है डी एस पी एंड आर डिस पेयर।
डिसअपेयर, नेक्स्ट इज ट्रीजर, ट्रे एस एंड आर, ट्रे जर ट्रेजर, फर्नीचर एफ एन फर्नी चर फर नी चर फर्नीचर. नेक्स्ट इज शेक्सपियर, एस एच सेस के पी एंड अपर आर शेक्सपियर. ठीक है शेक्सपियर. नेक्स्ट इज रेयर, अपवर्ड आर देन आर एंड डाउनवर्ड आर, रे रर रेरर. ओके रेरर. दो अपवर्ड जो थे हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए हमने आर को डाउनवर्ड लिखा है. ओके तो ये हो गया हमारे स्ट्रोक एस सॉरी आर. नेक्स्ट इज स्ट्रोक एस. द स्ट्रोक एस इज रिटन ए इन वर्ड्स लाइक साइंस. स्ट्रोक एस को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि वर्ड्स साइंस. ये हो गया हमारा एस देन एन एंड एस सा इन साइंस. नेक्स्ट इज साइंटिफिक, साइंटिफिक एस एन देन एफ एंड के साइंटिफिक. नेक्स्ट इज साइटिंग एस एंड इंग साइटिंग. नेक्स्ट इज साइम, साइम एस एंड एम साइ एम साइम. वेयर ए ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस, जहाँ पर जो हमारा ट्राइफोन है वो इमीडिएटली किसके साथ आ रहा हो, इनिशियल एस के साथ. ठीक है फर्स्ट में. नेक्स्ट इज इन वर्ड्स लाइक कंटिन्यूअस देन टी एन एन एस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस. ओके नेक्स्ट इज फेटोस देन सेटोस सॉरी सेटोस नो कंटिन्यूअस देन फेटोस एफ टी एंड एस फेटोस फेटोस. नेक्स्ट इज स्ट्रेनोस एस टी एन एस स्ट्रेनुअस. नेक्स्ट इज पायस पी एन एस पाय पायस. वेयर द फाइनल सिलेबल आस इज इमीडिएटली प्रेसेडेड बाय डिपथोंग, जहाँ पर जो फाइनल सिलेबस फाइनल सिलेबल है ऑयस वो इमीडिएटली किसके साथ प्रेसेडेड हो रहा हो, किसके साथ आ रहा हो, डिपथोंग के साथ. ओके तो ये हो गए हमारे स्ट्रोक आर एंड
एस। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.